हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग, मतलब कि वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं TGR NRZ Pro जैसी। आखिरकार देखते हैं कि भाई TGR अपनी वीडियो को कैसे क्रिएट करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप उस भाई की ओरिजिनल क्लिप को देख लो। तो ये है हमारी ओरिजिनल क्लिप जिससे कि इंस्पायर होके आज हम वीडियो को बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि भाई साहब कॉपीराइट इशू आ रहा था। बंद हो जा, ये आज मानने वाला नहीं है। तो चलो इस वीडियो को करेंगे आज हम क्रिएट और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले आप मेरी दो बातें ध्यान से सुन लो। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या नीड पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को बनाने के लिए दो मोबाइल फोन होने चाहिए। अगर किसी के पास दो मोबाइल फोन नहीं है तो उसके पास फिर दो फ्री फायर की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास दो फ्री फायर की आईडी भी नहीं है तो आपको भाई दोस्ती किस काम आएगी, जुगाड़ वुगाड़ करो उसके बाद मजे ही मजे। तो चलो ये मैं मान लेता हूँ कि अभी तक आपने दो फ्री फायर आईडियों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको अपने हिसाब से बढ़िया लगे। तो आपको एक प्रॉपर लोकेशन जैसी ढूंढ लेनी है और उस जगह पे जाके आपको इमोट मारना है। तो मेरे को दूसरा फोन पकड़ने दो पहले। बहुत तेज हो रहा है। तो इस जगह पे बैठ के मैं इमोट को मार लेता हूँ। थोड़े आगे होने दो, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो मैंने ये इमोट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। और ध्यान रहे कि मतलब जब आपका एनिमी मारेगा तो इसी पॉइंट के थोड़े आस पास से ही मारना चाहिए, तभी आपकी क्लिप बढ़िया बनेगी। तो फिलहाल से इमोट तो रिकॉर्ड हो चुका है और अब जाके हम टीम अप करने का नाटक करेंगे अपने दोस्त के साथ। भाई साहब चलो ये वेट। तो ये पड़ा हमारा हेड। भाई टीम अप। तो हमारा दोस्त भी टीम अप। तो चल मार ले गोली और हेडशॉट। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी कि आपका दोस्त जब मारेगा तो आपको हेडशॉट ही पड़ना चाहिए। अगर बॉडी शॉट पड़ गया तो आप पीछे को नहीं गिरोगे, आप साइड को गिरोगे। जब आप अपनी फर्स्ट क्लिप को रिकॉर्ड कर लोगे तो उसके बाद आपको अपनी आईडीज को एक्सचेंज कर लेना है। तो जब आप अपनी आईडीज को एक्सचेंज कर लोगे तो आपको अपने दोस्त को कहना है कि मेरे को सिर्फ हेडशॉट ही मारना। अगर हेडशॉट के अलावा मार दिया तो भाई आप गलत तरीके से गिरोगे। तो देख लो, अगर आपको ये मैंने थोड़े अलग टाइप से रिकॉर्ड की, अगर आपको डिटो NGR भाई जैसी ही वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करनी है तो आपको अपना कैमरा जो है ना एनिमी की तरफ रखना पड़ेगा। जब आप अपना कैमरा एनिमी की तरफ रखोगे तो सेम डिटो कॉपी रिकॉर्ड होगी। और एक बात याद रखना, देखो अभी मैं बॉडी शॉट मार के दिखाता हूँ। बॉडी शॉट पड़ा तो बंदा पीछे को नहीं गिरा, साइड को गिरा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो फाइनली हमारी दोनों क्लिप रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब हमारा काम है एडिटिंग का। तो एडिटिंग हम करने वाले हैं कैप कट से। तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो, बस आपको उसका बेसिक आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पहली क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। तो रेशो जो है हम 9:16 का रखने वाले हैं। तो उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट काम है वो यही है कि जो हमारे काम की चीज़ है वही हम रखेंगे, बाकी जो फालतू का पार्ट है उसको हटा दो भाई, बाहर कर दो। तो हमारे इस वीडियो में पहले एक काम की चीज़ तो वही थी जो हमने इमोट को रिकॉर्ड किया था। तो जो जहाँ पे हमने इमोट को रिकॉर्ड किया था उस जगह पे हम मतलब अपने इमोट वाले पार्ट को रखेंगे, बाकी वाले पार्ट को हम यहाँ से स्प्लिट करके हटा देंगे। तो ये हमारा कट लग चुका है और बाकी वाले पार्ट हट गया है और अब आगे वाला पार्ट ही रहा है सिर्फ हमारे पास। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम तो यही है कि जो हमने दूसरी वाली क्लिप रिकॉर्ड की थी जहाँ से हेडशॉट पढ़ के हम आगे की तरफ टीम अप करके जा रहे थे, अब उस वाली क्लिप को हमको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ से मतलब बढ़िया दिखेगा। तो हमने अपना पहला वाला क्लिप और दूसरी वाली क्लिप को हटा तो दिया है। तो इसके बाद चलो देखते हैं आगे जा रहे हैं हम। बढ़िया बढ़िया बूम हेडशॉट, बढ़िया। तो हमारी क्लिप यहाँ पे बन गई है और यहाँ पे हमें इस क्लिप में एक और कट लगाना पड़ेगा जहाँ पे ये बंदा मर रहा है। तो जहाँ पे ये बंदा मर रहा है तो वहाँ से आगे वाला पार्ट डिलीट कर दो। और उसके बाद हमारा अगला काम यही रहेगा कि हमें जो हमने दूसरी क्लिप को रिकॉर्ड किया था अब उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा।
तो हमने दूसरी क्लिप को इम्पोर्ट कर दिया है और उसके बाद हमें इस क्लिप को जूम करना पड़ेगा, मतलब पहले क्लिप जितना ही रखना पड़ेगा। और इस दूसरी क्लिप में हमारे जो काम की चीज है वो सिर्फ यही है कि मतलब जब लड़की के मरती है, जब ये लड़की मरती है, इसके मरने वाला जो सीन है तो बस वही सीन हमारे काम आएगा। तो सबसे पहले बस उसी सीन के पास हम कट लगा देते हैं। कहाँ मरी? यहाँ पे मर रही है, तो यहाँ पे कट करेंगे और फालतू वाला पार्ट वही हमने हटा देना है। यहाँ से हम फालतू वाले पार्ट को हटा दिया और यहाँ से आगे आगे थोड़ा गिरने तक, हाँ यहाँ पे मतलब बिल्कुल छोटी सी क्लिप ये दूसरी क्लिप की हमारे काम की है। यहाँ पे हाँ बढ़िया, अब हमारी दूसरी क्लिप भी रेडी हो चुकी है। और जो हमारी इमोट वाला है वो इमोट जो है सबसे लास्ट में लेके जाना है। इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारी क्लिप लाल से बन चुकी है। फाइनल रिजल्ट में इसमें तो बढ़िया एडिटिंग करनी है, मतलब इस टाइप का ओवरव्यू है। यहाँ पे सब कुछ टीम अप करके आगे की तरफ चलो, बढ़िया हेडशॉट। और ये लड़की मरी और भाई जिसको गोली मरी थी और वही जिंदा हो गया, ये मैजिक वाली क्लिप कह सकते हो। यहाँ पे मैजिक हुआ, मतलब बोलने का मतलब है। तो चलो इतना सा काम हो गया, तो इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, जब ये बंदा आगे की तरफ दौड़ रहा है ना, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको स्लो करेंगे। स्लो इसलिए करेंगे क्योंकि जो मरने वाला पार्ट है उसको स्लो करते हमें मतलब थोड़ा मैचअप सा होगा और देखने में अच्छा सा, मतलब अच्छा लगता है देखने में जब थोड़ा स्लोमो में ऐसा जैसा सीन होता है। तो इसीलिए भाई साहब इस लास्ट वाले पार्ट को हम स्लो करते हैं 0.6x। तो आप प्ले करके देखते हैं, 0.6 मेरे को कुछ ज़्यादा ही स्लो लग रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इनक्रीज कर लेते हैं। इस क्लिप को हम 0.8x रख लेते हैं, पर डेथ वाले सीन को सेपरेट करके उसको 0.6 पे ही रहने देते हैं और बाकी वाले पार्ट को इनक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारा इनक्रीज हो चुका है। और जो वो जब लड़की मरी थी वो वाला पार्ट को भी हमें स्लो करना पड़ेगा, तो उस वाले पार्ट को हमने स्लो नहीं किया, तो इस वाले पार्ट की स्पीड को भी हम कम कर लेंगे। ये 0.9x पे ही बढ़िए क्योंकि थोड़ा फास्ट सा होना चाहिए। इसके बाद हमें पढ़ने वाली है ऑडियो की नीड। तो ऑडियो की नीड हम पूरी करेंगे, सिंपली ऑडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी गैलरी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो की ऑडियो जो है हमारे वीडियो के नीचे पहुंच जाएगी। तो हम उस वीडियो को कहां से करेंगे, तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो के नीचे पहुंच जाओगे। तो उसके बाद हम करते हैं ऑडियो को एक्सट्रैक्ट। ऑडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो नीचे ऊपर सपोर्ट दिख रहा है तो उसको छुपाना पड़ेगा। तो छुपाएंगे हम ओवरलेज की मदद से। तो सब सिंपली आपके पास एक ब्लैक कलर का फोटो होना चाहिए, आप उसको क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने कैमरा पे फिंगर रख के फोटो क्लिक करोगे तब भी ब्लैक कलर में क्लिक हो ही जाएगा। तो आपको फोटो को यहाँ पे लगा लेना है और उसके बाद ये स्कोर के ऊपर लगा लेना है, तो उसको पूरी वीडियो के ऊपर डाल दो। तो जैसे ही आपको वैसे ही सिंपली नीचे वाली तरफ से भी आपको डाल देना है ओवरले एक, जिससे होगा ये कि मतलब आपकी जो वीडियो है वो भी सेंटर में रहेगी और इक्वल रेशो में दिखेगी। अगर आप ऊपर वाली तरफ लगाओगे तो आपके नीचे वाली तरफ जो है वीडियो थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। तो जैसे ही आप नीचे वाली तरफ भी ओवरले लगा लोगे, और ओवरले बस सिंपली डुप्लीकेट करना है, देख लो ना मैं कर ही रहा हूँ, यहाँ पे इस ओवरले को भी पूरी वीडियो के ऊपर फैला लेना है। तो जैसे ही आपने इस वीडियो के ऊपर फैला लिया तो उसके बाद एक बोनस टिप और सुन लो। हमने बहुत सारी जगह वीडियोस को कट किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये लड़की मरी हुई है और जहाँ पे हम इमोट दिखा रहे, अगर हम इसके बीच में क्लिक करेंगे तो नो इंटरनेट कनेक्शन आएगा। तो हम VPN का यूज करेंगे, मैं सिक्योर VPN को इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ इसमें एड वैड आती है वो बात है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब हम कैपकट को ओपन करेंगे तो भाई साहब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारे बहुत सारे ओवरलेज मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से कोई भी ओवरले यहाँ पे चेप देना जो आपके दिल को पसंद आए। तो इसके बाद ये रहा हमारे वीडियो का फाइनल।
मतलब जो हमने फाइनल बनाया हुआ है ये आपको मुझे पता है देखने में मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें म्यूजिक नहीं है। तो म्यूजिक लगा के इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जरूर से देख लेना। और साथ में मैंने इतना गला फाड़ा, इतनी मेहनत की है, तो इसके लिए वीडियो के लिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।